वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज हम कुछ टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं आइस रेडियो एक्टिविटी पे। तो पहले हम जानते हैं आइसोटोप्स क्या होते हैं। आइसोटोप्स होते हैं एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। जब एलिमेंट सेम है तो ऑब्वियस है एटॉमिक नंबर सेम होगा, बट हैविंग डिफरेंट मास नंबर। ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है, ऐसे एटम्स को हम बोलेंगे आइसोटोप्स। जैसे यहाँ पे देखिए, ऑक्सीजन के तीन आइसोटोप्स हैं यहाँ पे, ऑक्सीजन 16, 17, 18। सब में जो एटॉमिक नंबर है सेम है, दैट इज 8, मास नंबर डिफरेंट है। क्लोरीन के भी दो आइसोटोप्स हैं, 35 एंड 37, चेक कर लीजिए, मास नंबर डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर सेम है। सिमिलरली हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप्स हैं, प्रोटोनियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, इसमें भी मास नंबर डिफरेंट है, 1, 2, 3, एटॉमिक नंबर सेम है, 111। ठीक है, अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपने याद रखना है यहाँ पे, स्टार यार कलाकार, वो क्या है कि अगर आप किसी न्यूक्लियाई में से एक अल्फा पार्टिकल और दो बीटा पार्टिकल डिके करवा लेते हो, तो जो रिजल्टेंट होगा वो आपस में क्या होगा, वो आपस में क्या होगा बेटे, वो आपस में आइसोटोप होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, अल्फा से क्या होगा, मास नंबर 4 डिक्रीज करेगा और एटॉमिक नंबर 2 डिक्रीज करेगा, और बीटा पार्टिकल से क्या होता है, मास नंबर में कोई फर्क नहीं आता लेकिन एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो जाता है। क्लियर? तो अल्फा नंबर ने क्या किया, एटॉमिक मास में डिक्रीज किया 4 का, एटॉमिक नंबर में डिक्रीज किया 2 का, तो ई और जे ये आपके पास आ गए। फिर बीटा पार्टिकल हुआ तो क्या हुआ, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हुआ, मास नंबर में कुछ नहीं हुआ, तो यहाँ पर माइनस, तो आप चेक करें क्या हो गया। देखिए जो जेड माइनस टू है, बाद में माइनस कर दूंगा, जेड माइनस टू है, इसमें अगर एक इंक्रीज करेंगे तो क्या आंसर आएगा, माइनस वन का आ गया। फिर दोबारा से बीटा डिके हुआ, अब जेड माइनस वन में एक फिर इंक्रीज करेंगे, कितना आंसर आ जाएगा आपके पास, जेड का। क्लियर? तो यहाँ से यहाँ पर आप चेक करेंगे, जेड माइनस टू से जेड माइनस वन, और यहाँ से यहाँ एटॉमिक नंबर इंक्रीज हुआ है ड्यू टू बीटा एलिमिनेशन, मास नंबर में कोई फर्क नहीं आएगा। अब अगर आप ध्यान से चेक करेंगे अब आप, तो ई और जो डी हैं इनमें क्या है, इनमें मास नंबर डिफरेंट है, मास नंबर डिफरेंट है लेकिन एटॉमिक नंबर सेम है। तो आप बोल सकते हैं ई और डी आपस में क्या है, आपस में आइसोटोप्स हैं, आपस में क्या है, आइसोटोप्स हैं। तो दोबारा समझ लीजिए, एक एलिमेंट में से अगर आप एक अल्फा और दो बीटा पार्टिकल एलिमिनेट कर देंगे, निकाल देंगे, आपको उसी का आइसोटोप मिल जाएगा। श्योर अबाउट दैट, इजी, दैट इज टू इजी। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और भी है, आइसोटोप्स में क्या होता है, आइसोटोप्स के अंदर एक चीज़ और है, इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफरेंट होती हैं लेकिन जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम होती हैं। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, इनका डायपोल मोमेंट, पोलैरिटी, ये सब डिफरेंट होगा लेकिन जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम होंगी। हाँ, उनका रेट डिफरेंट हो सकता है, ठीक है ना। तो हम देख लेते हैं इस पॉइंट को, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कि जो आइसोटोप्स हैं उनमें क्या होता है, आइसोटोप्स में क्या होता है, इन आइसोटोप्स, आइसोटोप्स हैव व्हाट, आइसोटोप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, बट विद डिफरेंट रेट। रेट सेम नहीं होगा, जो रिएक्शन एक आइसोटोप करेगा दूसरा भी वही करेगा लेकिन रेट सेम नहीं होगा। आर यू श्योर अबाउट दैट, क्लियर ना, क्लियर, श्योर अबाउट दैट, ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। दूसरा, इनमें क्या होता है,
आइसोटोप्स हैव क्या बेटे डिफरेंट, आइसोटोप्स हैव डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, मतलब उनका बॉइलिंग पॉइंट, उनका मेल्टिंग पॉइंट, उनका डायरेक्ट्रिक करंट, जो भी वैल्यूज़ हैं ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जो आएंगी आपकी, ठीक है, सॉल्युबिलिटी वगैरह, वो डिफरेंट होने के चांस हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, क्या होते हैं, दे आर प्लेस्ड इन, व्हाट दे आर प्लेस्ड इन, सेम पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। इनमें सिर्फ मास नंबर का डिफरेंट होता है, एटॉमिक नंबर का नहीं। तो सेम पोजीशन होती है इनकी पीरियोडिक टेबल में। आर यू श्योर अबाउट दैट? ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। क्लियर आपको ये बात? जो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर समझनी है कि हो सकता है बहुत सारे केसेस में हैवियर आइसोटोप्स में भी रेडियो एक्टिव हो, ठीक है, और लाइटर आइसोटोप्स क्या है, वो मोर रिएक्टिव हो। दो अलग चीज़ें हैं, ठीक है, लेकिन मैं लिख इसलिए दिया क्योंकि ये जरूरी नहीं कि ऐसा हो ही। द हैवियर आइसोटोप मे बी रेडियो एक्टिव, नंबर वन, और नंबर टू क्या है, द हैवियर एलिमेंट द रेट ऑफ रिएक्शन इज स्लो, वो रिएक्शन को स्लोली करें, ठीक है बेटे। ये दो पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। श्योर बेटे आप? देखिए अब नेक्स्ट पॉइंट हम सीखेंगे वो है आइसोबार्स के बारे में। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर, डिफरेंट एलिमेंट है तो ऑब्वियस है एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, लेकिन सब में क्या है, मास सेम है। ऑर्गन, पोटाशियम, कैल्शियम, मास नंबर इज 40, 40, 40, बट एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट, 18, 19, 20। सो ऑर्गन, पोटाशियम, कैल्शियम, दीज थ्री आर व्हाट, आइसोबार टू ईच अदर इन दिस केस। आर यू श्योर? इनमें होता क्या है, आइसोबार्स हैव सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ये हालांकि जो जो सेम मास नंबर को हमने बोल दिया, तो वही पॉइंट है यहाँ पे, क्लियर है कि न्यूक्लियॉन्स की संख्या सेम है इसमें। आर यू श्योर अबाउट दैट? न्यूक्लियॉन्स के नंबर सेम है। दूसरा, इसमें क्या होगी, डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, कुछ नहीं मिलेगा, ना फिजिकल प्रॉपर्टीज ना केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है जी। क्लियर आपको ये बात? और सी, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि न्यूक्लियाई विच अंडरगो बीटा इमिशन, जिनमें बीटा इमिशन होगा, द डॉटर एलिमेंट इज आइसोबार। क्या होगा बेटे, हो आइसोबार होगा। क्लियर नहीं क्लियर आपको ये बात? आपके पास मैं दो एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे आपको। एक तो क्या है बेटे, एक तो है मान लीजिए आपके पास यहाँ पे ये हाइड्रोजन से आपके पास ये ट्रिटियम है, हाइड्रोजन का आइसोटोप है, उससे आपके पास यहाँ हीलियम आ गया, ये बीटा एलिमिनेशन से, ठीक है ना। तो ये देखिए मास नंबर सेम आ गया, तो ये आपस में क्या है, आपस में क्या है बेटा, ये आइसोबार्स हैं। ऐसे क्या होगा, कार्बन 14 है, इट विल गिव यू नाइट्रोजन, प्लस बीटा पार्टिकल। अब चेक कीजिए ये आपस में क्या है,
तो आंसर है आइसोबार्स है। क्या बेटे? आइसोबार्स है। तो पेरेंट और डॉटर आपस में क्या है? आइसोबार्स है। ठीक है, तो याद रखिएगा, बीटा इमिशन के बाद जो डॉटर एलिमेंट आएगा वो अपने पेरेंट एलिमेंट से क्या होगा? तो आंसर है आइसोबार। क्या होगा बेटे? वो आइसोबार्स होंगे। क्या होंगे? आइसोबार्स होंगे। श्योर अबाउट दैट? पहले केस में क्या हमने किया था? ट्रीटियम इज आइसोबैरिक विद हीलियम और कार्बन का आइसोबार क्या है? नाइट्रोजन। ठीक है बेटे, याद रहेगा आपको? वेरी मच श्योर। नेक्स्ट क्या होंगे? आइसोटोन्स। इसमें क्या होगा? इसमें होगा एटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जिनमें क्या होगा? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होगा। उनको क्या बोलेंगे हम? उनको हम बोलेंगे आइसोटोन्स। क्या बोलेंगे बेटे? आइसोटोन्स। जैसे आप चेक कर लीजिए, यहाँ पर आपके पास क्या है? इसमें भी एक न्यूट्रॉन है, इसमें भी एक, इसमें सॉरी, ठीक है, एक न्यूट्रॉन है, दो प्रोटॉन है, अरे ठीक है, तो दोनों में एक एक न्यूट्रॉन है। यहाँ पे क्लियर निकली आपकी बात? तो ये आपस में क्या होंगे? आपस में होंगे आइसोटोन्स। क्या होंगे बेटे? आइसोटोन्स होंगे। आर यू श्योर अबाउट दैट? क्लियर आपको बेटे ये बात? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीस क्या होगी? एटम्स और आयन्स हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उनमें इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन डिफरेंट हो सकते हैं। क्या बड़े? जैसे एग्जांपल देख लीजिए आप लोग, नाइट्राइड आयन है, इसमें इलेक्ट्रॉन 10 हैं, प्रोटॉन कितने हैं? यहाँ पर 7 हैं। ऑक्साइड आयन है, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है लेकिन प्रोटॉन 8 हैं। फ्लोराइड आयन है, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है लेकिन 9 प्रोटॉन है। अब चेक कर लीजिए उसके बाद क्या होगा। नियॉन में आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 ही प्रोटॉन है। सोडियम का कैटायन है, 10 प्रोटॉन है लेकिन 11। ऐसे मैग्नीशियम में 10 इलेक्ट्रॉन है लेकिन 12 प्रोटॉन है। एल्युमिनियम 3+ में 10 इलेक्ट्रॉन है लेकिन 13 प्रोटॉन है। तो ये जो नाइट्राइड आयन से लेके और जो एल्युमिनियम कैटायन तक आपको नज़र आ रही है सीरीज, दिस इज़ व्हाट? दिस इज़ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। क्या बेटे? ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ है यहाँ पे। आर यू श्योर अबाउट दैट? क्लियर है बेटे आपको ये बात? वेरी मच क्लियर, वेरी गुड। नेक्स्ट जो है बेटे आपके पास है आइसो डाइफर्स। क्या बेटे? आइसो डाइफर्स हैं, ये है एटम्स हैविंग सेम डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, दे हैव सेम आइसोटोपिक नंबर। इनका आइसोटोपिक नंबर क्या है? सेम है। क्या बेटे? सेम है। यहाँ पर क्लियर निकली आपको ये बात? श्योर। अब इसमें होता क्या है, जो न्यूक्लियाई है ना, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, न्यूक्लियाइड एंड इट्स डिके प्रोडक्ट आफ्टर एन अल्फा इमिशन आर क्या होते हैं? आइसोडाइफर्स। ठीक है? नहीं, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि मान लीजिए कोई एलिमेंट है यहाँ पे ई, ई और जेड इसका है, इसने एलिमेंट आपको डी दे दिया, 4 और जेड -2, और साथ में क्या हुआ?
हीलियम न्यूक्लियाई यहाँ से निकला, तो जो ई और डी हैं ये आपस में क्या हैं, ये आपस में आइसो डायफर्स हैं। क्या बेटे? आइसो डायफर्स हैं। क्लियर नहीं? क्लियर? एक एग्जांपल जरूर समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्या है, ग्रीनियम 238 92। मान लीजिए अल्फा से आपको प्रोडक्ट आया 234 90, और साथ में क्या निकला बेटे, एक अल्फा पार्टिकल। अब चेक कीजिए यहाँ पर कितना होगा, जो नंबर ऑफ यहाँ पर डिफरेंस इन न्यूट्रॉन पर, न्यूट्रॉन कितने हैं यहाँ पे, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं यहाँ पे, तो आंसर आ गया यहाँ पे 6। और तो अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना आया, 146। यहाँ एक्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आए हैं, आंसर आ गया 4, और यह आंसर आ गया 144। क्लियर आपकी बात? अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम चेक करेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, आंसर आ गया 92। ठीक है, यहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, आंसर है 90। अब आप चेक कीजिए व्हाट इज द डिफरेंस हेयर, डिफरेंस हेयर इज सेम 54 54। तो आइसो डायफर्स में क्या होगा, डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो इक्वल होगा, सेम होगा, क्या होगा, सेम होगा। तो जिन एटम्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम आ जाए वो आपस में क्या होंगे, वो आपस में आइसो डायफर्स क्या होंगे, आइसो डायफर्स होंगे। श्योर अबाउट दैट? न्यूक्लियर आइसोमर्स क्या होते हैं, वो न्यूक्लियाइड्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट, ठीक है, सेम मास नंबर बट डिफर इन रेडियोएक्टिव डिके। कारण क्या होता है उसका, रीजन क्या होता है, क्योंकि उनका एनर्जी स्टेट और जो स्पिन होते हैं डिफरेंट होते हैं, ये मेन पार्ट है। बिकॉज दीज एटम्स आर इन, क्या होते हैं, आर इन डिफरेंट एनर्जी स्टेट, ठीक है नहीं, एंड स्पिन। देखिए जैसे आप होते ना कि आप गुस्से में कुछ और हैं और नॉर्मल लाइफ में कुछ और हैं, ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर होता है। तो होता क्या, जैसे मान लीजिए कोबाल्ट है, कोबाल्ट में ये 60 मैंने स्टार लगा दिया यहाँ पे, एक्साइटेड है यहाँ पे, और ये कोबाल्ट यहाँ पे 60 आ गया, प्लस क्या आ गया यहाँ पे, गामा रेडिएशन, क्या आ गया, गामा रेडिएशन। तो ये जो कोबाल्ट 60 है और कोबाल्ट 60 स्टार है, ये आपस में क्या है, ये आपस में न्यूक्लियर आइसोमर्स हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर आइसोमर्स हैं। तो जो न्यूक्लियर आइसोमर्स होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें एनर्जी स्टेट का डिफरेंट होता है, एनर्जी स्टेट का डिफरेंट होता है, ठीक है ना। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपको समझनी है, न्यूक्लियर आइसोमर्स में क्या होता है, न्यूक्लियर आइसोमर्स में डिफरेंट, नेक्स्ट जो भी, ये भी आपने कहा, डिफरेंट क्या होता है इनमें, डिफरेंट रेट कॉन्स्टेंट होता है इसमें, डिफरेंट हाफ लाइफ, ठीक है, क्लियरिंग क्लियर। तो ये पॉइंट, और डिफरेंट बाइंडिंग एनर्जी, डिफरेंट क्या बेटे, बाइंडिंग एनर्जी। हालांकि जो न्यूक्लियॉन्स का नंबर है वो सेम है, ठीक है नहीं, आर यू श्योर अबाउट दैट? तो न्यूक्लियर आइसोमर में ये पॉइंट आपको अच्छे ढंग से आना चाहिए।
आर यू श्योर अबाउट दैट? ये पॉइंट आपको याद रहेगा, श्योर बेटे? ये अच्छे ढंग से समझ लीजिएगा, ये आपके लिए नहीं है, लेकिन याद रखिए मैंने आपको पहले पहले बोला हुआ ये पॉइंट कि अल्फा और बीटा एलिमिनेशन को बोलते हैं प्राइमरी एलिमिनेशन, या प्राइमरी आप बोल सकते हैं डिके। अल्फा और बीटा के डिके के बाद भी अगर न्यूक्लियस की जो एनर्जी है वो लोअर एनर्जी लेवल पे ना शिफ्ट हो तब गामा रेडिएशन निकलता है। तो जो एक्साइटेड न्यूक्लियाई है और जो नॉर्मल न्यूक्लियाई है उसमें जो डिफरेंस है उसके रिजल्ट में वही क्या है, वही है न्यूक्लियर आइसोमर्स। क्या है? वही क्या है? न्यूक्लियर आइसोमर्स है। आर यू श्योर अबाउट दैट? क्लियर बेटे आपको? नाइस। नेक्स्ट जो टर्म को समझनी है वो है आइसोस्टर्स। तो आइसोस्टर्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम नंबर ऑफ एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, दे आर कॉल्ड आइसोस्टर्स। क्या बोलते हैं उनको बेटे? आइसोस्टर। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और NO2 के आपस में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और N2O आपस में आइसोस्टर्स हैं। दोनों में तीन तीन एटम्स हैं और दोनों में क्या है? इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। आर यू श्योर? सो दीज स्पीशीज आर कॉल्ड एज व्हाट? दीज स्पीशीज आर कॉल्ड एज आइसोस्टर्स। अब इसमें जो टॉपिक है वो है टाइप ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्शंस। तो ये है द फिनोमिनन ऑफ इंटरेक्शन ऑफ न्यूक्लियॉन्स गिविंग राइज टू द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू न्यूक्लियस और ए न्यू प्रोसेस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन क्या है दोबारा समझ लीजिए, द फिनोमिनन ऑफ इंटरेक्शन ऑफ द न्यूक्लियॉन्स गिविंग राइज टू द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू न्यूक्लियस और ए न्यू प्रोसेस। जो सबसे पहला रिएक्शन है वो किसने करवाया था? वो करवाया था रदरफोर्ड ने, दैट ही बम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल ऑन नाइट्रोजन एटम एंड इन द प्रोसेस ही गॉट वन आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन एंड वन प्रोटॉन। तो उसको लिखेंगे ऐसे, ये रिएक्टेंट है यहाँ पे, ये प्रोडक्ट है और यहाँ पर क्या लिया गया है, यहाँ पर यूज्ड अल्फा पार्टिकल है और ये प्रोड्यूस्ड प्रोटॉन है। ठीक है, तो हमेशा ये रिएक्टेंट आपको मेन एटॉम का जो रिएक्टेंट है वो यहाँ लिखना है, जो आपने अल्फा बीटा गामा जो भी रेडिएशन लिया उसको यहाँ लिखना है, और जो साइड प्रोडक्ट है वो यहाँ पे लिखेंगे और मेन प्रोडक्ट पीछे। तो ये लिखने का तरीका है। वैसे ही ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे नहीं, पहले बोल रहा हूँ, जस्ट फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस आपको बताया गया है। तो जो टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन है वो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले होता है इंड्यूस्ड, क्या बेटे? इंड्यूस्ड रेडियोएक्टिविटी है। क्या है? इंड्यूस्ड रेडियोएक्टिविटी। इसमें क्या होता है कि एक स्टेबल न्यूक्लियाई को हम अनस्टेबल बनाते हैं बाय बम्बार्डिंग इट बाय सम अल्फा बीटा पार्टिकल्स। तो जैसे बोरोन का एटम है उस पर बम्बार्ड किया हमने हीलियम का मतलब अल्फा पार्टिकल का, तो कार्बन एक नया न्यूक्लियाई मिला प्लस एक प्रोटॉन मिला। या फिर बोरोन को जब हम स्ट्राइक करते हैं अल्फा पार्टिकल से तो पहले नाइट्रोजन मिलता है, ठीक है, और फिर क्या मिलता है? फिर कार्बन मिलता है। तो पहले केस में न्यूट्रॉन बनता है, दूसरे केस में क्या है? बीटा पार्टिकल बाहर आता है, पॉजिट्रॉन इसको हम बोल सॉरी क्या होता है बेटे? पॉजिट्रॉन बाहर आता है। ये दो रिएक्शन, ये जो बीटा पार्टिकल सॉरी बोरोन पे जो अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट है इट कैन रिजल्ट इन टू डिफरेंट वेज, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी। जो बोरोन है वो रेडियो एक्टिव नहीं था लेकिन आपने बम्बार्डमेंट करके उसको रेडियो एक्टिव बना दिया। आर यू श्योर अबाउट दैट? ईजी? दैट इज टू ईजी। सेकेंड एग्जाम्पल है न्यूक्लियर फिशन का। इसमें क्या होता है, एक स्टेबल न्यूक्लियाई होता है उसको हम ब्रेक कर देते हैं, ठीक है, और दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर फिशन, तोड़ देना। द फिनोमिनन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ हैवी न्यूक्लियस ऑन बम्बार्डिंग विद स्लो स्पीड न्यूट्रॉन्स, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? ये जो रिएक्शन दे रखा है ये इसको चेन रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ पर एटम बॉम्ब के अंदर यही रिएक्शन यूज किया था, एक्साइटेड जो यूरेनियम का 235 है उस पर एक सोल न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट किया जाता है, तो इट विल प्रोड्यूस थ्री न्यूट्रॉन्स इन द प्रोसेस, ठीक है। फिर नेक्स्ट केस में जो थ्री न्यूट्रॉन्स है वो तीन और यूरेनियम को स्ट्राइक करते हैं तो नाइन न्यूट्रॉन्स पैदा होते हैं, फिर वो नाइन न्यूट्रॉन्स 27 न्यूट्रॉन पैदा करते हैं। तो ये चेन रिएक्शन चलता है। तो ये रिएक्शन है,
एक सेकंड में ही लाखों गुना पहुंच जाता है और ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है। यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पे कि यूरेनियम में क्या होगा, पर मोल यूरेनियम 2.041 × 10⁻¹⁰ kg। माई गॉड, देखिए आप कि 10⁻¹⁰ kg एक मोल यूरेनियम से, सिर्फ 235 ग्राम यूरेनियम से इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट है न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फिशन जो है ये आपके एटम बॉम्ब में होता है, प्लस जहाँ जहाँ पर न्यूक्लियर एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाते हैं वहाँ करवाया जाता है। न्यूक्लियर फ्यूजन का रिएक्शन है, दो स्मॉलर न्यूक्लियर मिलके एक हैवियर न्यूक्लियर देते हैं, और जो मास लॉस है अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्म इनटू एनर्जी। ठीक है, अब जो न्यूक्लियर फ्यूजन है वो तभी पॉसिबल है जब कोई न्यूक्लियर फिशन हो रहा हो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए न्यूक्लियर फ्यूजन करवाने के लिए। तो वो एनर्जी तभी अवेलेबल होती है जब कोई न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन चल रहा होता है। क्लियर है, क्लियर। और जो लास्ट रिएक्शन है वो है स्पॉलेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि जो ऑलरेडी एक एक्साइटेड न्यूक्लियाई है उस पर हम कोई बम्बार्डमेंट करेंगे दूसरे पार्टिकल की, अल्फा पार्टिकल की, बीटा पार्टिकल की, या प्रोटॉन की, ड्यूटेरियम की, किसी की भी, तो वो जो है आपको बहुत सारे बाय प्रोडक्ट देगा। क्लियर नहीं, क्लियर। ए नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सफिशियंट स्मॉलर मासेस, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्पॉलेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं उन्हें, स्पॉलेशन रिएक्शन। ये क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन एग्जांपल। आर यू श्योर? वेरी मच श्योर। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने आपको बोल दिया। इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है कार्बन आइसोटोप रिएक्टिंग और यूरेनियम आइसोटोप रिएक्टिंग, जो इसका नेक्स्ट टॉपिक आएगा। जो डेफिनेशन वगैरह है आइसोटोप्स की, आइसोस्टर की, ये आप याद कर लीजिएगा, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर यू श्योर?